Hello guys and welcome back to my channel of YouTube. तो guys आज का जो वीडियो है ये असल में मेरी Porsche 911 Carrera scale model की restoration के ऊपर है. तो जैसे कि मैंने बताया था बस रिसेंटली मैंने मेरी एक बहुत ही पुरानी स्केल मॉडल में रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया है. तो स्केल मॉडल तकरीबन 25 साल पुरानी है. असल में मेरी कार नहीं था, हमारे एक रिश्तेदार की कार था और ये कार मुझे तकरीबन 8 साल पहले मिला था. तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि कार का जो तो बॉडी है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरी तरह से रस्ट हो गई है. जो कॉर्नर्स वगैरह है, पिलर्स वगैरह सब कुछ टूट गई है, सब पिचकी में निशान सब जगह उखड़ गई है. ऑलमोस्ट पूरी कार ही वॉर्न आउट हो गई है. तो इसमें तो सचमुच काफ़ी काम था, उस कार को एकदम सही शेप में लाना सचमुच काफ़ी मुश्किल काम था. लेकिन अब मैंने कार में ऑलरेडी जो भी बॉडी वर्क का काम था सब कुछ कंप्लीट कर दिया और कार अब पूरी तरह से रीपेंट हो चुका है. यस, और साथ में जो मोटर था इनकी जो इंजन वो बोले प्रॉपरली तो काम कर रहा था, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें बल इतनी स्मूथली नहीं चल रहा था क्योंकि इंजन काफ़ी पुरानी है. तो मैंने उस इंजन को भी वापस वॉश कर दिया, रिस्टोर कर दिया और फिर उस इंजन को भी पेंट कर दिया. सिर्फ वही नहीं, आप देख सकते हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत थोड़ी रंग निकल ही गया है. तो इस एक्सल को भी मैंने ब्लू कलर कर दिया है. तो वैसे अब आप सोचे होंगे कि मैंने कार को किस कलर में पेंट किया, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ. तो वो कार है 1 2 3 टैंटरन. क्या आप सोचे कि वो कार नहीं है? अच्छी तरह से देख लीजिए, जो फुल बॉडी था कंप्लीटली रिस्टोर्ड बॉडी. तो गाइस वैसे ये वही ओरिजिनल बॉडी ही है, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखिए, ये देख रहे हैं कंप्लीट कंप्लीट बॉडी वर्क को रिस्टोर की गई है. ये देखिए और ये देखिए कितनी चमक रही है. तो वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो कहा था कि मैं इससे रैपिंग करूंगा, वो भी मेटेलिक ब्लू कलर में. तो मैंने वापस इस कार को इस कलर में पेंट क्यों किया? तो वैसे इस कार को वापस इस कलर में पेंट करने का वेल एक स्टोरी है. वेल वो स्टोरी तो मैंने आपको बताया था कि जब ये कार कंपनी में बनी थी, मतलब इसकी जो ओरिजिनल फैक्ट्री कलर थी वो भी बिल्कुल ऐसे ही ब्लू था. आप देख सकते हैं जो अंदर की ब्लू दिख रहे हैं ये देखिए एग्जैक्टली सेम ब्लू है. ये वाली कार के ओरिजिनल ब्लू है, जबकि ये वाली जो बाहर की है उसे मैंने बाहर से क्या कर दी है, लेकिन देखिए कोई डिफरेंसेस ही नहीं है. तो गाइस कार की जो ओरिजिनल कलर थी वो एग्जैक्टली यही सेम ब्लू था. तो इसलिए मैं इस कार की लुक को ख़राब नहीं करना चाहता था. मैंने इस कार को ना कस्टमाइजेशन के लिए बनाया है या ना ही मॉडिफिकेशन के लिए, मैंने बस इस कार को एक मतलब कुछ यादों के लिए वापस रिस्टोर की है. इस कार के साथ काफ़ी सारे मेमोरी है तो इसीलिए मैंने इस कार को बस मेमोरी के लिए ही रिस्टोर की है. मैंने ना इस कार को मॉडिफिकेशन के लिए रिस्टोर की है या ना ही रिपेयरिंग मतलब कुछ इस तरह की स्टफ़ के लिए. ये कार मैंने बस मेमोरी के लिए तैयार की है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी तो बॉडी है अब ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रिस्टोर हो गई है. ऑलमोस्ट नहीं बल्कि पूरी तरह से बॉडी वो ख़त्म हो गया. और जो मैंने इंजन बताया था वैसे इसे याद रख देते हैं. तो यह इंजन भी यहाँ असेंबल हो चुका है. तो आप देख सकते हैं कि इंजन में भी यहाँ रीपेंट हो गई है. तो जो एक्सल था इनमें भी पेंट हो गया. वैसे इंजन की पेंटिंग इतनी स्मूथ नहीं हुई है, लेकिन मैंने इसे सेम कलर में कर दी है इंजन. मतलब ओरिजिनल इंजन तो वैसे ब्लैक कलर की थी और ये एक्सल सिल्वर कलर की, यानी क्रोम कलर की, लेकिन मैंने इन्हें एक ही कलर की कर दिया क्योंकि ये जो एक्सल थी वो भी काफ़ी बहुत वर्न हो गई थी. तो अभी तो फिलहाल जंग नहीं लगी थी, लेकिन बाद में उनमें जंग लगने की चांस था, तो इसलिए मैंने जंग लगने से पहले ही उनमें पेंट कर दिया. ये वाली एक्सेल भी काफ़ी बहुत जंग लगने के मतलब कगार में था, तो इसीलिए मैंने इसे जंग लगने से पहले ही इसमें पेंट कर दिया ताकि अब इसमें जंग ना लगे. तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इंजन कितनी पावरफुल है. थोड़ा रुकिए, आई थिंक इतना काफ़ी है. हाँ ये देख रहे, ये इंजन 25 साल पुरानी है. एक 25 साल पुरानी कार की इंजन होने के बावजूद भी कितनी देर तक चल रही है. अगर ये कार देखिए ये देख रहे कितनी मतलब कितनी कम फ्रिक्शन में ही ये इतनी देर तक घूम रही है. अगर इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन मिलेगा तो पता नहीं ये दो धूम मचा देगा. 25 साल पुरानी कार होने के बावजूद भी ये इंजन कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है. वैसे मैं बॉडी वर्क में कुछ काम नहीं कर पाया, जैसे कि
अब देख सकते हैं इन पिलर्स को जो टूटी हुई थी, मैं इन्हें वापस वेल्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास वेल्डिंग मशीन नहीं था। ये बात जानते हैं कि मैं इन सब काम को हाथों से करता हूँ, पेंटिंग वगैरह सब कुछ मैंने हाथों से किया है, तो इसीलिए मुझे इनको वेल्ड करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं इन्हें बाद में कुछ कर लूँगा अगर हो सके तो। तो गाइस अभी जो मुझे नेक्स्ट करना है, क्योंकि बॉडी वर्क तो फिनिश हो गया, ये देखिए ये हुड भी इतनी अच्छी तरह से अब ओपन होती है। तो आप सोचे होंगे कि सर मैंने हुड को वापस कैसे असेंबल किया, तो मैंने यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ ये देख रहे जो रिफ्लेक्टिंग फिल्म से उनसे मैंने यहाँ इसे पूरी तरह से तार कर दी है और अंदर की जो जॉइन है यहाँ पर कर दिया है और उसके ऊपर पेंट कर दिया है, तो इसलिए रिफ्लेक्टिंग जो स्टिकर है वो कार के कलर में पेंट हो गई है। तो हुड में तो यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी पिस की भी निशान था, आप देख सकते हैं अब इस हुड में कोई निशान नहीं है। हाँ थोड़ी बहुत बॉडी में कुछ टिंकरिंग के निशान है, और जो बॉडी जो था आप देख सकते हैं, आप जो इसके दरवाजे है देखिए एकदम प्रॉपरली क्लोज हो रहा है, क्योंकि जो बॉडी था मैंने उसे टिंकर करके एकदम सही सीधा कर दिया। बॉडी काफ़ी तरफ बेंड हो गई थी, इस तरफ मैंने काफ़ी टिंकर करके यानी कि रैम करके करके हैमर से बॉडी को एकदम सही शेप में लाया, और अब आप देख सकते हैं कि आप बॉडी में कोई भी इस तरह की मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और साथ में टिंकरिंग का भी कोई निशान नहीं है, क्योंकि जो भी निशान था मैंने वापस रिस्टोर कर दिया सब कुछ। अब ये कार एग्जैक्टली मतलब फुल रिस्टोर हो गई है। तो अब जो मुझे नेक्स्ट जो करना है वो है इंटीरियर का। तो वैसे इंटीरियर तो मैंने जो ये ब्लैक पेंट कर दिया था, अब इसे भी मुझे कोई दूसरी कलर करना होगा, मैं तो इसे ब्लू कलर नहीं करूँगा क्योंकि ब्लू कलर करने से इसकी जो कलर है ज़्यादा कूल नहीं दिखेगा। तो इसलिए इंटीरियर को मैं सोच रहा हूँ कि इसे ओरिजिनल स्टाइल की क्रीम इंटीरियर ही बनाए, क्योंकि अब मेरे पास तो क्रीम कलर है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस इंटीरियर को सिल्वर कलर में पेंट कर देंगे, बल पेंट नहीं हम रैपिंग कर देंगे। ये जो सीटें हैं ये दोनों सीट ये देख सकते हैं आप, ये पूरा कंट्रोलेबल है ये वाला हिस्सा, इन्हें भी सब कुछ सिल्वर कलर में कर देंगे, तो इससे कार काफ़ी कूल दिखेगा। ब्लू कार में ब्लू कार में व्हाइट इंटीरियर, मतलब सिल्वर और व्हाइट एक जैसी है, काफ़ी कूल दिखेगा। और साथ में जो इसकी स्पॉयलर वगैरह है फिलहाल उसमें पेंटिंग का काम फिनिश नहीं हुई है, तो इसलिए मैं स्पॉयलर को भी रीपेंट करने वाला हूँ। स्पॉयलर को पूरी तरह से बॉडी कलर कर दूँगा और उसके ऊपर कुछ ब्लैक डिज़ाइंस और कुछ क्रोम वेंस वगैरह लगा दूंगा ताकि कार दिखने में और कूल दिखे। तो वैसे ये वेल टेल वेरिएंट है, यानी कि जो ये नॉर्मल स्टैंडर्ड करेरा वेरिएंट नहीं है जिसमें जो पीछे में यहाँ पर ग्रिल होती थी ये वाली, वैसे यहाँ पर ग्रिल भी लगाया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से तो अगर इसमें स्पॉयलर होगा तो कार ज़्यादा कूल दिखेगा। अब मैं ये नहीं जानता कि इस पिलर को इस तरह से क्यों दिया गया है, ओरिजिनल कार में ये वाला हिस्सा इस तरह से था, थोड़ी बेंड था, और ये वाला हिस्सा थोड़ी और लंबी होना चाहिए था। इस मॉडल में थोड़ी बहुत मतलब कुछ चीज़ें रॉन्ग हुई है क्योंकि काफ़ी ओल्ड मॉडल है, तो ये बात आप जानते हैं कि पहले के ज़माने में स्केल मॉडल्स को इतनी हाईली डिटेल नहीं किया जाता था जैसे कि आजकल की कार्स को किया जाता है, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं 90s की मॉडल है, तो ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो चलेगा अभी के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मैंने कार में और कितना काम खत्म किया, इनमें और क्या डिटेलिंग किया, क्या कुछ किया। और अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच। तो हाँ वीडियो को एंड करने से पहले कार का क्यों ना एक छोटी सी रिव्यू ले लें, मेरा मतलब इस बॉडी का। हाँ